आइए बच्चों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कराची चिड़िया घर की सैर को, तो आइए चलते हैं। बच्चों आज हम यहाँ पर हैं हाथी के सामने। ये देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पर हाथी हैं और देखिए क्या कर रहे हैं। और आपको पता है ये क्या क्या खाते हैं? ये खाते हैं घास, सब्जियाँ और गन्ना। ये यहाँ पर अफ्रीका से लाए गए हैं। आगे जाएंगे और आपको और अच्छे अच्छे से जानवर दिखाएंगे, जिसमें शेर भी है, बंदर भी है, चिड़िया भी है, तोते भी है और बहुत कुछ है। तो आइए चलते हैं आगे। बच्चों आप जब जू में आए तो यहाँ एक स्नेक हाउस है, यहाँ पर जरूर आइएगा। यहाँ सांप की और बहुत सी इकसाम भी रखी गई हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब बंद है। यहाँ पर बहुत सारे पाइथन्स हैं, यहाँ पे टर्टल्स के बहुत सारे बच्चे हैं और इसका टिकट बहुत ही कम है, यानी कि सिर्फ 20 रुपीज। और हाँ, यहाँ आप सिर्फ 100 रुपए में पाइथन के साथ तस्वीरें भी खिंचवा सकते हैं। बच्चों मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, ये देखिए कितने बड़े बड़े दांत हैं और देखिए मुंह कैसे खोला हुआ इसने, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये नहीं, इतनी सारी सफेद सफेद और प्यारी प्यारी सी बत्तखें, अगर आप जू में आए तो ये जगह देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और हाँ, इन बत्तखों के लिए थोड़े से पॉपकॉर्न जरूर साथ लाइएगा, ये बहुत खुश होंगे। और बच्चों ये है व्हाइट लायन, इसमें से एक उधर सो रहा है क्योंकि अभी सुबह सुबह है ना, तो सुबह के वक्त ये लोग आराम करते हैं, लेकिन ये आपको देखने के लिए जाग गया है। ये है टाइगर जो बहुत खूंखार होता है, और आपको पता है कि इसको बिग कैट भी कहते हैं क्योंकि ये बिल्ली की नस्ल से है। वो कहते हैं ना, बिल्ली शेर की खाला है। इसे कहते हैं जर्राफा, जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है और ये खाने में दरख्तों के पत्ते खाता है। प्यारा सा भालू, इस वक्त ये अपना लंच कर रहा है जैसे आप लोग करते हैं स्कूल में। और ये हैं शरारती बंदर जो कलाबाजियां भी खाते हैं
और एक दरख्त से दूसरे दरख्त कूदते फिरते हैं। इनकी कई अकसाम आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ये है शुतुरमुर्ग। इसकी स्पीड बाकी सब परिंदों से बहुत तेज होती है, उड़ने की नहीं दौड़ने की। ये है एशियाई हिरन जो बहुत तेज दौड़ते हैं और पलक झपकते में उछल उछल के दूर निकल जाते हैं। हिरन अपनी खूबसूरती के लिए भी बहुत मशहूर है। कैसी लगी आपको चिड़ियाघर की सैर? अगर आपको मजा आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।